नमस्कार, आप सभी का सत्य प्रकाश कोचिंग में स्वागत है। लाइव क्लास में कल हम लोग एक पाठ पढ़ लिए थे, मंगलम पाठ। जो लोग अभी समय से नहीं आए उन लोगों को बता दीजिए, जल्दी से जुड़ जाए, शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा पाठ। कल छूटा था, यहाँ पे छोड़ दिए थे, आगे पढ़ेंगे आज द्वितीय पाठ। पाटलिपुत्र वैभवम पटना के वैभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पटना के वैभव के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, अर्थात पटना के महत्व और पटना अपने आप में किन किन कारणों से प्रचलित है या समृद्ध है, उन सभी चीजों को इस पाठ में हम लोग देखेंगे। आप लोग को सही से सब ये दिख रहा है? दिख रहा हो तो कमेंट कीजिए। दिख रहा है सब लोग को? क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर नहीं दिख रहा हो तो। और एक बात बताइए सब लोग कि आप लोग को गाना तो नहीं सुनाई दे रहा है ना, उससे डिस्टर्ब होगा क्योंकि आज महावीरी पूजा का यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट में समारोह है वो जगह, तो हो सकता है आप लोग को गाना सुनाई दे रहा हो। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं दो पाठ, द्वितीय पाठ। एक पाठ सब आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए हम लोग दूसरा पाठ आज पूरा कंप्लीट करते हैं। इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना के बारे में पूरा बताया गया है। बिहार की राजधानी पटना के बारे में, पटना अपने आप में तीन क्षेत्रों में, यहाँ पे तीन क्षेत्र नहीं, अगर ऐसे कहें तो पटना किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इस पाठ में तीन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वो है धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। और है उद्योग क्षेत्र। जैसे फर्स्ट है धार्मिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र और तीसरा उद्योग क्षेत्र। अगर पूछे पटना अपने आप में किन किन कारणों से विशिष्टतापूर्ण है अर्थात आकर्षणीय है, तो धार्मिक क्षेत्र से पटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना में एक है हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और पटन देवी मंदिर तो आप लोग को पता ही होगा, पटन देवी मंदिर जो पटना की पालिका देवी भी कहा जाता है उनको। और राजनीतिक क्षेत्र में है बिहार के विधानसभा या बिहार के जो सीएम है मुख्यमंत्री, उनका कार्यालय भी पटना में ही है। इस तरह से राजनीति का जितना भी बिहार में सब संचालन होता है राजनीतिक क्षेत्र में कार्यों का, वो सब पटना से ही होता है। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी पटना बिहार में अग्रणीय है, सबसे आगे है। फिर है उद्योग क्षेत्र, अर्थात आर्थिक रूप से पटना भी बहुत आगे है। जैसे उद्योग क्षेत्र में जैसे चिड़ियाघर हो गया या और भी बहुत से क्षेत्रों में पटना
उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये तीन क्षेत्र हैं जिसमें पटना बहुत ही आगे है और यहाँ पे बहुत से विदेशी यात्री आए, भगवान बुद्ध से भी इस पाठ को जोड़ा गया है। तो देखिए, बिहार राज्य राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है जो सभी कालों में महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे वो आधुनिक काल हो। इस समय अस इतिहास अर्धशास्त्र द्वय वर्षम वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष 100 वर्ष पुराना है, तो अगर ऑप्शन दे दे 1500, 1000, 2000 और 2500 दे दे, तो आप लोग 2500 पे ही लगाइएगा, ये सब नहीं होगा, ये सब आंसर गलत है, 2500 आंसर सही होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से ये होगा, अगर ये ऑप्शन ना दे तो पूरा तो गलत ही है। अगर इसके जगह पे मान लीजिए कि अगर ऐसे दे दे, अगर 3000 दे दे, तो इसमें से तो कोई नहीं है फिर, तो जो ज्यादा उस पर लगा दीजिए। अगर 3000 दे रहा है 3000, अगर ये नहीं दे रहा, अगर 500 दिया इसके जगह पे और 1500 है, तो ज्यादा वाला पे लगाइएगा, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम, कह रहा है कि ये धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में विशेषकर काफी ज्यादा आगे है, जो यहाँ पे मतलब एक है कि देखा जा सकता है और घूमने के लिए यात्रियों का ध्यान आकर्षण करने योग्य है। वैदेशिका यात्री मेगास्थनी प्रवृत्ति पाटलिपुत्र वर्णनम स्वस्व स्मरण ग्रंथेशु चक्रु, कह रहा है जैसे पटना इतना यहाँ पे विशिष्ट है कि यहाँ पे बहुत से विदेशी यात्री भी यहाँ पे घूमने हैं पटना के बारे में जानने के लिए और पटना का दर्शन करने के लिए। उसमें से दे रहा है कुछ विदेशी यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि, और ये लोग आए पटना और पटना का भ्रमण किए, दर्शन किए और पटना के बारे में पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में उसका जिक्र भी किया, लिखा उसके बारे में। इसमें एक पूछता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कहाँ के थे, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, तो मेगास्थनीज थे यूनान के राजदूत, मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। फिर होगा कि पाठ्यस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्ते, इस पाठ में पटना के पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा सा जानकारी दिया गया, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। इतना आप लोग इतना में से जो क्वेश्चन है देख लीजिए, पूछ सकता है कि किन किन क्षेत्रों में ये विशेषकर आगे है पटना, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। इसका कितना 100 वर्ष पहले से इसका इतिहास है, तो 2500 वर्ष पहले से इसका इतिहास है, अर्थात 2500 वर्ष पहले पटना का स्थापना हुआ था, स्थापना का अस्तित्व में आया था 2500 वर्ष पहले आज से। और इससे जीके भी एक बन सकता है कि अजात शत्रु द्वारा पटना का स्थापना किया गया था, ये एक शासक थे अजात शत्रु राजा, इनके द्वारा पटना का स्थापना किया गया था, लेकिन इसका इस पाठ से कोई कनेक्शन है नहीं जिक्र इसमें। 2500 वर्ष पुराना है इस पटना, इस पाठ में बताया गया है। और पटना में पाटलिपुत्र वैभव में दो श्लोक है, दो श्लोक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दो ही श्लोक है इस पाठ में। मेगास्थनी यूनान के राजदूत है और बिहार की राजधानी पटना है, तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसको लिखते जाइएगा, इससे आप लोग को याद होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव का बुक हो तो बुक लेके बैठिए और जो हम बताते जा रहे हैं आप लोग पढ़ के उसको बुक में टिक लगाते जाइए। फिर यहाँ पे प्राचीनेशु भारतीयेशु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वासुदेवचित्रम महानगरम बभूव, कह रहा है कि भारत में तो बहुत से ऐसे प्राचीन नगर हैं, उन सभी प्राचीन नगरों में एक बहुत ही सुंदर प्राचीन नगर है पाटलिपुत्र, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वह महानगर है। पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमताखे काव्य कथयति, उसके विषय में दामोदर नाम के कवि हैं, दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं, वे अपने काव्य कुटनीमताखे में कहते हैं। देखिए इसमें दो कवियों का जिक्र है, फर्स्ट कवि दामोदर गुप्त,
दामोदर गुप्त, इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वह है कुटनी मताख्य। कुटनी मत ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव में, इतना ही आता है कि कुटनी मत काव्य के लेखक कौन है, तो होगा कुटनी मताख्य काव्य के लेखक है दामोदर गुप्त। बुक में ऐसे लिखा हुआ है कुटनी कुटनी मताख्य। इसमें होगा, देखिए इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका देखिए, खुद से आप लोग याद कर सकते हैं। खुद कुछ कुटनी मताख्य और दस दामोदर गुप्त। कुटनी मताख्य काव्य के लेखक दामोदर गुप्त है, आप लोग शॉर्टकट में इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। फिर है दूसरा राजशेखर, एक और लेखक है राजशेखर, इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इसमें देखिए जो ये राजशेखर है काव्य मीमांसा के लेखक हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं कार से, काव्य मीमांसा आर से राजशेखर। तो कुद कार से आप लोग पूरा याद कर सकते हैं दोनों इस चैप्टर के लेखक और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। फिर आगे ये बोले हैं कि अस्थि मई तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात पृथ्वी का तिलक अर्थात सिरमौर, पृथ्वी का एक तरह से कर सकते हैं कि विशेष स्थान जो सरस्वती के घर के समान है, अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र। सरस्वती से तुलना किया गया, सरस्वती विद्या माँ की, विद्या माँ होती हैं अर्थात विद्या की भंडार, और पटना को उससे तुलना किया गया कि सरस्वती का घर है अर्थात विद्या का भंडार स्थान है और महानगर है, और सुंदरता में इंद्रलोक के समान सुंदर दिखाई देता है, उसका नाम है पाटलिपुत्र। हम पूरा लिख दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट का भावार्थ पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर के समान अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र, अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र, अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र और इंद्रलोक के समान सुंदर, इंद्रलोक के समान भव्य दिखाई देने वाला, इंद्रलोक के समान भव्य या सुंदर एक ही चीज होता है, भव्य दिखाई देने वाला एक महानगर है, एक महानगर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं, फर्स्ट श्लोक, दो ही श्लोक है इसमें, इसे लिख दे रहे हैं, कम समय में हो जाएगा। पृथ्वी का तिलक सरस्वती घर के समान अर्थात शिक्षा का एक महान केंद्र और इंद्रलोक के समान सुंदर दिखाई देने वाला एक महानगर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है। इसमें दो चीजों से पटना के महत्व के बारे में बताया गया कि पटना फर्स्ट तो सरस्वती घर के समान है अर्थात शिक्षा का बहुत ही महान केंद्र, और दूसरा सुंदरता में बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, इसकी तुलना इंद्रलोक से किया गया, अर्थात इंद्रलोक बहुत ही भव्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, आकर्षक होता है, इसीलिए उसका तुलना इससे किया गया है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे इतिहास सुरेत यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे भगवान बुद्ध के समय से पटना स्थित था, भगवान बुद्ध के समय से पटना गंगा के किनारे था, पटना गंगा के किनारे था, गंगा के किनारे था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय पटना गंगा किनारे था, अर्थात जब भगवान बुद्ध पटना में आए उस समय पटना अस्तित्व में था, उनके समय से गंगा के किनारे। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, और भगवान बुद्ध वहां पे बहुत बार आए, भगवान बुद्ध पटना में बहुत बार आए। तेन कहता मासित, वे बोले थे, वे अपने कल्पना अनुसार पटना के बारे में भ्रमण करने के बाद कुछ कल्पना किए और बोले थे कि यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा, मतलब आगे बहुत ही डेवलप करेगा, नगर महानगर होगा।
किंतु कलह से अग्निदाह से जल पुरस से चयात सर्वदा क्रांत भविष्य थी। कह रहे कि हमेशा समस्याओं से घिरा रहेगा, और जिन समस्याओं से घिरा रहेगा वो समस्या क्या है, कलह मतलब आपसी लड़ाई झगड़ा, आग की समस्या और बाढ़ की समस्याओं से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतर इन पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कहता, समय बीतते गया और पटना का नाम चेंज हुआ और पाटली ग्राम से पाटलिपुत्र कहलाया। पटना अपने नाम को चेंज किया एक बार और पाटली ग्राम से पाटलिपुत्र हुआ, पाटलिपुत्र हुआ। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पे कि पाटली ग्राम, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटली ग्राम किसके समय में पटना का नाम पाटली ग्राम था, तो आप लोग बता सकते हैं कि बुद्ध भगवान, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि किसके समय में पटना का नाम पाटली ग्राम था, तो भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटली ग्राम था, और उसके बाद जब चेंज हुआ तो बना पाटलिपुत्र, दूसरा बार में बना पाटलिपुत्र। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट स्थिति यूनान राजदूत मेगास्थनी स्वस्मरण स्मरणेशु निरूपयति। स्वस्मरण मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से अपने किताब को लिखे, अपने जीवन के बारे में या कोई भी किताब लिखे वही होता है, अपनी जीवनी लिखना होता है स्वस्मरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो व्यवस्था था पटना का, शासन व्यवस्था था जो, उसके बारे में एक बोले हैं मेगास्थनीज के राजदूत, मेगास्थनीज राजदूत हैं, यूनान के राजदूत हैं, वे बोले हैं इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही उत्कृष्ट था, अर्थात बहुत ही अच्छा था। यूनान के राजदूत ऐसा बोलते हैं मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथ में। अस नगर से वैभवम प्रिय दर्शिना अशोक से समय सूत्राम समृद्धम, और ज्यादा विकास किया प्रिय दर्शनी अशोक के समय में, अर्थात अर्थात इनके समय में तो था ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो था ही, चंद्रगुप्त के समय में विकासशील तो था ही, और ज्यादा विकसित हुआ अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में, अशोक के समय में और ज्यादा विकसित हुआ पटना, पटना और विकासशील हुआ। तो मिटा रहे बोर्ड को इसके आगे लिखने के लिए, समझाने के लिए आप लोग को, सब आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर है इसके बाद बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तित इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधारण स्मृति। कर लंबे समय तक पटना शिक्षा का केंद्र रहा, सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा केंद्र कह सकते हैं, लंबे समय तक रहा अर्थात बहुत समय पहले से लेकर लंबे समय तक रहा, इसके बारे में राजशेखर जो कवि है वे बोलते हैं। आप लोग इसको याद कर सकते हैं कूदकार से, कूदकार काव्यमीमांसा राजशेखर कुटिमता के दामोदर गुप्त, याद हो सकता है आसानी से, इसको आप लोग नहीं भूलेगा। 40 नंबर जो बुक से आता है वो आप लोग का पूरा 40 में 40 बनेगा, आप लोग बस रेगुलर क्लास में रहिए और जो बोल रहे हैं उतना कीजिए, आप लोग का पूरा 40 में 40 तो छूटेगा ही नहीं, और व्याकरण में भी नहीं छूटेगा पूरा 60, उसको आगे देखेंगे। तो अभी आप लोग ध्यान से समझिए और लिखिए और याद कीजिए। तो बता रहा है कि लंबे समय तक शिक्षा का केंद्र रहने के कारण जो राजशेखर कवि है उन्होंने अपने काव्य में बोला कि यहाँ पे बहुत से विद्वान जिस दे रहा है ऊपर स्वर्षा भी, पाणिनी, पिंगला भी, ब्याडी, वर्चि, पतंजलि इत्यादि यहाँ पे परीक्षित हुए, अर्थात उनकी यहाँ पे परीक्षा ली गई और वे पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किए, अर्थात तो वहां से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट थे उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ, अर्थात कहीं ना कहीं उन लोगों का समय पुराना है और वे लोग जब पटना से पढ़े हैं अर्थात पटना उनसे भी पहले से शिक्षा केंद्र में रहा है और बहुत ही समृद्ध रहा है। तो चलिए इसको भी लिख ले हम लोग, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा दूसरा श्लोक का भावार्थ। इसमें यहाँ अर्थात पटना में, यहाँ अर्थात पटना में कर यहाँ उपवर्ष वर्षा
वी उपवर्ष वर्षा वी पाड़ीनी पिंगला वी उपवर्ष वर्षा वी उपवर्ष वर्षा वी पिंगला वी ब्याडी वरुचि पतंजलि वरुचि पतंजलि इत्यादि विद्वानों की परीक्षा ली गई और वे अपने नाम को संसार में रोशन किए। अर्थात ये जो बहुत ही विद्वान जो ऋषि और विद्वानों का नाम लिखा गया है, ये लोग बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, जिनका संबंध शिक्षा के क्षेत्र में पटना से है। पटना में इन लोगों को जांचा गया है और उसके बाद ये लोग पूरे संसार में अपने नाम को रोशन किए और यश प्राप्त किए, अपनी ख्याति को फैलाए, अपने नाम को पूरे संसार में रोशन किए, ख्याति प्राप्त किए और यश को प्राप्त किए। दूसरा श्लोक भी हो गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग सॉन्ग पे ध्यान मत दीजिए, हो गया होगा सब लोग का, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो लिखवा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, कैसे आप लोग का एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो इस बात पे ध्यान दीजिए। हो गया है, मिटाए, देखिए मिटाने से पहले कुछ बता रहे हैं आगे। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कह रहा है किसी किसी प्राचीन संस्कृत अगर पूछेगा कि पाटलिपुत्र का वर्णन कहाँ किया गया है, उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप लोग बताइएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बहुत से ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और बहुत से पुराण है जिसमें पाटलिपुत्र का जिक्र होता है और उसको बताया गया, उसमें पुष्पुर और कुसुमपुर के नाम से भी उसमें बताया गया है, पटना को संबोधित किया गया है। अर्थात किसी किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, पुष्पुर अथवा कुसुमपुर। जिन लोगों को जो दिक्कत हो वही कमेंट में करके पूछे, बातचीत ना करें कमेंट में और पढ़ाई पे ध्यान दें। देखिए यहाँ पे है कि पुष्पुर और कुसुमपुर, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पाटलीग्राम। पाटलीग्राम किसके समय में पटना का नाम था, बुद्ध भगवान के समय में था। आप लोग का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब तैयारी हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद से नाम बदला और हुआ पाटलिपुत्र। उसके बाद से बताया गया कि पुष्पुर और कुसुमपुर भी इसका नाम पाया गया, पुष्पुर और कुसुमपुर। ये
किसी किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में बताया गया है कि पुष्प और कुसुमपुर भी मिलता है। पुष्प और कुसुम दोनों का मतलब होता है फूल, दोनों का मतलब होता है फूल। इसमें देखिए बताया गया है कि अनेन गायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। ऐसा पता चलता है कि पटना के आसपास बहुत से फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए इस नगर का नाम ही पड़ गया पुष्पपुर और कुसुमपुर, फूलों से संबंधित नाम भी पड़ गया इसका। फिर इसके बाद कि पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलित। पुतलिका रचना से आश्रय लेकर अर्थात पुतलिका रचना में ऐसा बताया गया है, वर्णन किया गया है कि पाटल पुष्प अर्थात होता है गुलाब का फूल, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब का फूल, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब का फूल, इसी से नाम इसका पड़ गया है पाटलिपुत्र। देखिए इसी से इसका नाम पड़ गया है पाटलिपुत्र, अर्थात जो पाटलिपुत्र जो नाम लिया गया है, पाटली ग्राम से जो पाटलिपुत्र ये नाम पड़ा है, ये नाम पाटल पुष्प के आधार पर पड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, और ये पुतलिका रचना से आश्रित है, मतलब पुतलिका रचना में इसका वर्णन किया गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पुतलिका रचना एक एक जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान से सुनिए, और जो लोग पढ़ लिए वो लोग भी सुनिए, और देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग तो देखिए ही देखिए, जो लोग पढ़े हैं उन लोग का रिविजन हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, शरत काले नगरी अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल में इस नगर में अर्थात पाटलिपुत्र में शरत काल में एक महोत्सव मनाया जाता था, जैसे आजकल हम लोग दशहरा के मौसम, दशहरा शरत काल में मनाया जाता है और उस समय हम लोग कितना प्रसन्न होते हैं, वैसे ही शरत काल में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आ सकता है, देखिए बता रहे हैं कौमुदी महोत्सव किस मौसम में मनाया जाता था, तो शरत काल में मनाया जाता था। और फिर है कि किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में एक महोत्सव मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव, और हम लोग वैसे ही उस समय लोग खुश रहते थे जैसे आजकल हम लोग दशहरा के अवसर पे खुश होते हैं। वैसे ही उस समय लोग आनंदित रहते थे गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव पे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, उस समय सभी लोग बहुत ही आनंदित होते थे। संप्रति, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पे तादृश जिस प्रकार एव मने ही समारोह दृश्यते, समारोह दिखाई देता है जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पे काफी प्रसन्नता का, सब लोग काफी आनंद मग्न रहते हैं, वैसे उस समय लोग आनंदित होते थे कौमुदी महोत्सव के अवसर पे। फिर है काल चक्रवसात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परमितम जीर्णताम अभूत। जीर्णताम मतलब होता है फटा पुराना, फटा हाल, खराब स्थिति, टूटा फूटा। समय बीतने के साथ साथ कह रहा है भले ही मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थिति हजारों वर्षों तक खराब रहा, मध्यकाल में पटना का स्थिति बहुत ही खराब रहा, इसका संकेत तस संकेत अनेकेशु साहित्य ग्रंथेशु मुद्रा राक्षस आदिशु लभ्यते। इसका संकेत बहुत से किताबों में और बहुत से साहित्यों में, जैसे मुद्रा राक्षस नाम का एक साहित्य है, इसमें प्राप्त होता है। देखिए कह रहा है अनेकेशु साहित्य ग्रंथेशु, अनेक साहित्य ग्रंथों में तो मिलता ही है, और मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक का किताब इसमें भी मिलता है। देखिए किताब का नाम है मुद्रा राक्षस, ये एक नाटक का किताब। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त, ये लेखक हैं ये, और ये एक नाटक का किताब है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिखे कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक के किताब के लेखक कौन है, विशाख दत्त हैं। और इनके किताब में इसका जानकारी मिलता है कि पटना हजारों वर्षों तक खराब स्थिति में रहा, मुगल वंश काले अस नगर से समुदार हो जाता, फिर जब मुगल लोग आए तो ये जो समय खराब चल रहा था, इस समय खराब समय को उसके बाद से अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थिति को काफी अच्छा बनाने में सहायता की, उद्धार हुआ पटना का। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। कह रहा है अंग्रेजों के समय, मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ, पटना और विकसित हुआ। नगरम इदम मध्य काले पटने थी नामना प्रसिद्ध मांगता, और मध्य काल में
पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से कि किस काल में पटना नाम पड़ा, पाटलिपुत्र का किस काल में पटना नाम पड़ा, तो आप लोग याद रखिएगा मध्यकाल में, मध्यकाल में पटना नाम पड़ा इसका पाटलिपुत्र का। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही तैयार हो जाएगा, एक भी नहीं भूलिएगा पूरा, और 16 नंबर का लास्ट में आता है वो भी बनेगा और पूरा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा इसका। फिर है कि नगरम इदम मध्यकाले वो पटने थी, हाँ ये तो बता दिए। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, यह जो पाठ लिया गया, यह जो पटना शब्द लिया गया है ये पतन शब्द से लिया गया है, पतन शब्द से। पटना, पटना जो नाम पड़ा है, पटना अभी जो है, और पटना नाम पड़ा पाटलिपुत्र के बाद, वो जो लिया गया पतन शब्द से लिया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पटना पतन से, और पाटलिपुत्र पाटल पुष्प से अर्थात गुलाब का फूल होता है, और कुसुमपुर पुष्पुर फूलों से, यहाँ पे नहीं बताया गया कौन सा फूल, बस फूल बताया गया है, और पाटलिग्राम भगवान बुद्ध के समय से नाम है। इसके बाद देखिए, नगर से पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, कह रहा है कि आज भी पूजी जाती है पटन देवी, और पूजी ही जाती है, आप लोग भी पटन देवी के बारे में सुने ही होंगे, और पटन देवी आज भी पूजी जाती है, ऐसे तो हर मंदिर में देवी जी पूजी ही जाती है, और पटना की पटन देवी की कुछ खासी इसमें विशेषता बताया गया है कि वो ऐसा माना जाता है कि वो नगर की पालिका देवी है, अर्थात नगर का पालन करती हैं, सबको समृद्धि दिलाने में काफी मदद करती हैं, और वो आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, जो पाटलिपुत्र है जो आज अभी पटना है, अति विशालम वर्ते बिहार से राजधानी चौस्ती, इस समय जो पाटलिपुत्र है जो पटना है जो बिहार की राजधानी, बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम अर्थात दिन दुना रात चौगुना, अनुदिनम दिन प्रतिदिन नगर से विस्तार बहुत ही, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। एक चीज आप लोग देखिएगा कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी, पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर में गंगा, और ऐसे कहें कि गंगा के दक्षिण में कौन सा नगर स्थित है, तो होगा पटना। गंगा के दक्षिण में स्थित जो महानगर है वो होगा पटना, और होगा पटना के उत्तर में कौन नदी है, तो गंगा। तो ये दोनों जो पूछे आप लोग बता सकते हैं इसको। फिर है इसके बाद, तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु अपि निर्मानो वर्तते, कर इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु अभी बन चुका है, और भी छोटा भी है वो, सेकंड स्थान हो गया उसका, लेकिन उस समय फर्स्ट था। कर गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा पुल है, और उस पर रेल पटरी बनाने का काम चल रहा है, अभी तो बन भी गया होगा। एशिया का कह रहा है इसमें, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, टोटल महादेश 7 होते हैं, जिसमें से एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है 7ों में, और एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल जो गांधी सेतु उस समय का बताया गया है, गांधी सेतु पुल। पूछ सकता है क्वेश्चन कि गांधी सेतु पुल किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो एशिया, एशिया का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है, तो पटना में है, उसका नाम क्या है, तो गांधी सेतु है। फिर है कि नगरे अस्मिन मने इस नगर में उत्कृष्ट, अच्छा, देखने लायक, काफी अच्छा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर, मौर्य काली का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे आप लोग को अभी कभी पटना जाने का मौका मिले तो इन सभी चीजों के लिए आप लोग पटना जा सकते हैं, घूमने देख सकते हैं पटना में। प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, कर है प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थली गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सिख धर्म का जो, सिख धर्म के जो दसवें गुरु हैं, सिख धर्म दस गुरु वाला धर्म है, आप लोग याद रखिएगा, दस गुरु वाला धर्म है, दस गुरुओं का धर्म है सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म में टोटल दस गुरु हैं, और दसवें गुरु जो हैं, दसवें गुरु जो हैं इसमें दसवें वो हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हैं। फिर है सिख धर्म के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं ये, और पहले गुरु जो हैं गुरु नानक हैं, गुरु नानक, गुरु नानक देव पहले गुरु, और दसवें गुरु हैं सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह, इनका स्थान पटना में है। अगर ऑप्शन में दे ऐसे कि पटना और पटना नगर, अगर ऑप्शन दे दे पटना और पटना नगर, तो आप लोग हमेशा पटना नगर पे टिक लगाइएगा, ना कि पटना पे। अगर
दे दे ऑप्शन में कि पटना या पटना नगर, तो आप लोग पटना नगर में ही ठीक लगेगा। इनका जन्म स्थली पटना नगर में है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है गुरुद्वारा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थली है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम यान्ति, कह रहा है देश भर से तीर्थयात्री लोग, बहुत से तीर्थयात्री लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वहां पे घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। एवं पाटलिपुत्र हम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति पर्यटन मानचित्रे नगरम इदं महत्वपूर्ण, कह रहा है इस तरह से प्राचीन काल से लेके इस समय आज तक विभिन्न क्षेत्रों में पटना बहुत ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसे संग्रहालय में सब कुछ देखने योग्य होता है, वैसे भी पटना भी संग्रहालय के तुल्य अपने आप में दर्शनीय स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, हम बोलेंगे आप लोग देखिएगा उसको, बोलने की कोशिश कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। इसमें आप लोग देखिए पूरा लिख लिए होंगे, आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुटनी मताके काव्य के रचनाकार कौन है, कुटनी मताख्यम काव्य कस्य कवि रचना अस्ति, कुटनी मताके काव्य के लेखक कौन है। तो इसका कुटनी मताके काव्य के लेखक कौन होंगे आप लोग खुद से बताइए, खुद का आप लोग बताए थे दामोदर गुप्त होगा। पाटलिपुत्र कस्य नद्या तीरे अवस्थम अस्ति, पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो बहुत ही अच्छा था, उत्कृष्ट था। राजा अशोक के समय में और ज्यादा उत्कृष्ट हुआ, सुतराम समृद्धम और ज्यादा विकास किया। काव्य मानसा के लेखक कौन है, कार राजशेखर हैं। फिर है कि गंगा के ऊपर गांधी सेतु किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है, एशिया महादेश। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर या ताजमहल। फिर है पाटलिपुत्र का नाम क्या है, कुसुमपुर या माधवपुर, तो होगा इसका आंसर कुसुमपुर। फिर है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव आंग्ल शासनकाल या गुप्त शासनकाल, तो होगा अंग्रेजों के समय मनाया जाता था आंग्ल शासनकाल। फिर है पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पाटलिपुत्र के डैश डैश दिशा में गंगा नदी प्रवाहित, पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उत्तर श्याम होगा उत्तर। फिर है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने नंबर पे गुरु थे, अर्थात संख्या में कौन से गुरु थे, तो होगा दसम गुरु थे। इस तरह से हम लोग का पूरा खत्म हुआ ये, बाकी जो व्याकरण है व्याकरण पढ़ाएंगे तो खत्म होगा। नेक्स्ट चैप्टर संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ा दे कि छोड़ दे, आप लोग बताइए, इसको कमेंट करके बताइए कि अलस कथा पाठ आप लोग को पढ़ना है आज, किसको रहने दिया जाए। तीसरा पाठ के बारे में हम कुछ बता दे रहे हैं बस थोड़ा सा, और इसको कल पढ़ा जाएगा। और अभी आप लोग से कुछ सुन रहे हैं, एक मिनट में पीछे वाला भी रिवीजन करेंगे अभी, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, जो भी लिखे हो देख लीजिए। अभी हम फिर से पूछ रहे हैं सब पीछे वाला।
आइए यहाँ पे हम सब मिटाते हैं इसको, फिर हम लोग देखेंगे आप लोग से कुछ पूछ रहे हैं सवाल, आप लोग कुछ सवालों का आंसर दे दीजिए, फिर आज के लिए रहने देंगे लोग। आप लोग बोलिएगा जहां पे हैं, सब लोग वहीं से बोलिएगा या लिखिएगा, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। उपनिषद कितने होते हैं सब लोग बताइए, उपनिषद कितने होते हैं? जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आप लोग उतना बता दिए तो समझिए कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव से जितना बुक में दिया होगा सब बन जाएगा। बताइए उपनिषद कितने होते हैं? 108। वेद कितने होते हैं? 4। वेद के अंग 6। उपवेद कितना? वो भी 4। इसके बाद बताइए कि इस पाठ के लेखक कौन है प्रथम पाठ के? तो महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास पुराण के भी लेखक हैं, महर्षि वेदव्यास वेद के भी लेखक हैं, महर्षि वेदव्यास महाभारत के भी लेखक हैं और उपनिषद के भी। उपनिषद वेद का ही अंतिम भाग है। और प्रथम पाठ में किस शास्त्र के बारे में बताया गया है? तो दर्शन शास्त्र, हम कल बताए थे आप लोग को दर्शन शास्त्र। यह पाठ किस रूप में है? पद्य रूप में है। प्रथम पाठ पद्य रूप में है, प्रथम पाठ से हम रिविजन करा रहे हैं कल वाला। प्रथम पाठ पद्य रूप में है और इसमें किसके बारे में बताया गया, गुणगान किया गया? तो परमात्मा के गुणगान गाया गया इसमें। और फिर है कि कितना श्लोक इसमें है? 5। 5 श्लोक या मंत्र है इसमें टोटल। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है ये। फिर है कि इसमें फर्स्ट है सोने रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका होता है और अरुण से भी छोटा मान से मान आत्मा होता है, सत्य की जीत होती है, नदियां नाम रूप को छोड़ के समुद्र में मिलती है। और फिर है कि परमात्मा आत्मा जो आदित्य वर्ण के समान होता है उसको जानने के बाद जीव मृत्यु को पार करता है। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग रिविजन कर लिए पूरा। फिर है दूसरा पाटलिपुत्र अभी पढ़ाए हम, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा पाठ का हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं सारांश और कल इसको पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कहानी, आज के लिए बस कहानी थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। देखिए आलस कथा पाठ, ये जितना हम लिख के मिटा दिए सब आप लोग खुद से भी आना चाहिए और फिर से वीडियो चला के आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तृतीय पाठ इसमें हम लोग देखेंगे अलस कथा का। अलस कथा बोलने से आप लोग को लग रहा हो कि अलस अर्थात लेजी मैन का इसमें कथा है, आलसियों का इसमें कथा है, चार आलसियों का इसमें कथा है। चार आलसियों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, चार आलसियों के बारे में इसमें बताया गया है कि हम लोग को चार आलसी है, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। इस पाठ में मानव गुण के बारे में बताया गया, मानव गुण का विशेषता, मानव गुण की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, और आलस होना एक दुर्गुण है, इसलिए आलस नाम के दुर्गुण के बारे में बताया गया कि आलस होना एक दुर्गुण है, अर्थात हम लोग को आलस नहीं करना चाहिए। और इस पाठ में मानव गुण पूछेगा कि अलस कथा पाठ में किस विशेषता के बारे में बताया गया, हमेशा मानव गुण बताइएगा। इस पाठ के लेखक है विद्यापति, अलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। इसको फिर से शुरू से लिख रहे हैं मिटा के। अलस कथा इस पाठ के लेखक हैं विद्यापति। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं विद्यापति, संस्कृत भाषा से मैथिली कवि हैं। संस्कृत में बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। और फिर इसके बाद दे रहा है कि ये जो संकलित है कहाँ से, तो ये पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ से संकलित है। नीति कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ से संकलित है ये। और इसी का ये अंश है अलस कथा पाठ, और ये संस्कृत में है। ये किस भाषा में है? संस्कृत में है ये। इसके बाद से है
कि विद्यापति मिथिला के कवि हैं और इसमें दोषों को दूर करके और गुणों को अपनाने के बारे में बताया गया है कि दोषों को दूर करके और गुणों को अपनाने के बारे में बताया गया है। फिर है इसके बाद कि संस्कृत ये व्यंगात्मक कथा, एक व्यंगात्मक अर्थात हुआ व्यंगात्मिका कथा होगा, व्यंग वाला अर्थात ताना मारना होता है, व्यंग मतलब। नीतिकार लोग इस पाठ में जो बोले हैं वो बोले हैं कि नीतिकार लोग अर्थात विद्वान व्यक्ति कह सकते हैं कि विद्वान या नीतिकार लोग बोले हैं कि सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस। आलस मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस जो होता है मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, अर्थात उस सबको हमको आलस को निकाल देना चाहिए। इसमें कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। कहानी बताते हैं विद्यापति कि मिथिला के एक मंत्री हैं, जहाँ के हैं वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं कि मिथिला के एक मंत्री हैं, मंत्री का नाम है बीरेश्वर। ये बीरेश्वर बहुत ही स्वभाव से दानशील और करुणामान है। ये इतने दानशील और करुणामान है कि जितने भी इनको आलसी मिलते हैं सभी आलसियों को फ्री में खाना कपड़ा और रहने के लिए घर प्रदान करते हैं सबको। इनके आलसपन को देख के मतलब कि आलसियों को सब कुछ ये देते हैं तो देखते हैं सब कुछ दूर लोग की तो बहुत ही भोले भाले हैं, अर्थात इनके भोलेपन का फायदा उठा जाए और कुछ फ्री में खाने वाले, फ्री में तो बढ़ाने वाले खा के, और बहुत से दूर लोग आ गए फ्री का इनका सब फायदा उठाने के लिए। इसमें तीन श्लोक है अलस कथा पाठ में टोटल, हाँ तीन श्लोक या मंत्र है। तो बहुत से आलसी लोग आ जाते हैं और भोजन सब चीज ज्यादा लगने लगता है। इस चीज को देख के इनके राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्री नहीं इनके राज्य के नियोगी पुरुष, एक नियोगी पुरुष हैं, कर्मचारी ही कह सकते हैं कि एक नियोगी पुरुष हैं, ये सलाह दिए इनको, बीरेश्वर को सलाह दिए कि इस तरह से जो लोग धूर्त हैं वे लोग भी फायदा उठा रहे हैं और आलसी जो है तो फायदा उठा ही रहे हैं। तो ये हम लोग की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम लोग का सबसे बड़ा आलसपन है कि हम लोग ऐसे धूर्त लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए बोला गया कि टेस्ट ले लिया जाए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है, सबका पता चल जाएगा। तो क्या किए कि घर में आग लगा दिया गया सबको सुला के, सोए हुए अवस्था में। क्वेश्चन पूछ सकता है किस अवस्था में आग लगाएगा, तो सोए हुए अवस्था में आग लगाएगा, याद रखिएगा। फिर सोए हुए अवस्था में आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त लोग थे वो भग गए, जो थोड़ा और धूर्त थे वो भी भग गए, चार लोग सिर्फ सोए रहे और सोए सोए आपस में बात कर रहे हैं, वस्त्र से मुख ढके ढके बात कर रहे हैं। उसमें से जो फर्स्ट है वो बोल रहा है कि कैसा हल्ला हो रहा है, अर्थात लोग भाग रहे होंगे आग लगा होगा, वो आहट पा के पूछ रहा है तीनों से कैसा आ रहा हल्ला हो रहा है। दूसरा बोला उसमें से, याद रखिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बोला, पहला बोला कि कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरा बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे घर में आग लगा है, सब कोई भाग रहा है तो उसको सुनाई दे रहा होगा, बता दिया आहट पा के कि घर में आग लगा है। तीसरा बोला, वो थोड़ा और मेहनत किया और बोला कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति, कोई ऐसा दयालु नहीं है जो भीगा हुआ कपड़ा हम लोग के ऊपर डाल दे जिससे हम लोग जलने से बच जाए। चौथा जो था वो सबसे महान आलसी था, वो बोला कि चुपचाप तुम लोग सो जाओ, मतलब उसको डिस्टर्ब हो रहा था और साथ साथ उन लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, कितना बात करते हो, बात तो नहीं बोल रहा है उन लोगों को कि तुम लोग बड़ी बचाला हो, तुम लोग चुपचाप सो जाओ। इस तरह से देखा गया कि चारों ही रियल में सबसे बड़े आलसी हैं और इसके बाद से चारों के बाल को पकड़ कर नियोगी पुरुष द्वारा खींचा जाता है कि कहीं लोग जल के मर ना जाए। उसके बाद से चारों को सब कुछ दिया जाने लगा। इस पाठ में तीन श्लोक है, तीन श्लोकों के बारे में बता दे रहे हैं, अगले दिन लिखवाएंगे कल हम। है इसमें निर्गतिनाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मत किंचित क्षमते कर तुम जैठेन अपि वहीना कराए। जितने भी निर्गति लोग होते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं होता, उनका खुद से कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई सोच नहीं होता है, उन लोगों में जो सबसे फर्स्ट स्थान होता है वो आलसी लोग का होता है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि निर्गति लोग और आलसी लोग। ये लोग इतने कामचोर होते हैं, इतने आलसपन इन लोगों में भरा होता है कि लोग पेट की आग सह लेते हैं, भूखे रह लेते हैं, जीवन का हर कष्ट सह लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते ये। दूसरा होगा कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संगति सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतु कराए। अच्छी स्थिति, सुविधाजनक स्थिति को देख के अपने जाति के लोग उस सुख को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। करा एकता में बल होता है
और उस एकता के कारण अपनी जाति के सुविधाजनक स्थिति सुख को देखकर उस जाति के सब लोग दौड़ पड़ते हैं। कौन नहीं दौड़ पड़ता है, अर्थात सब लोग दौड़ पड़ते हैं। तीसरा होगा कि पतियों के रक्षक स्त्रियां होती है, नहीं इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियों के रक्षक पति होते हैं, चलिए दोनों हो सकता है, दोनों एक दूसरे के रक्षक होते हैं। इसमें बताया गया पाठ में कि पति स्त्रियों के रक्षक होते हैं, सहायक होते हैं, और बालकों के रक्षक उसकी माता होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक करुणावान व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं होता है। अर्थात आलसियों का जीवन पूर्णतः डिपेंडेंट होता है करुणावान व्यक्ति पे, वो लोग आश्रित रहते हैं, उन लोगों के भरोसे उन लोग का जीवन कटता है। जैसे इस पाठ में बताया गया है वीरेश्वर द्वारा बहुत से आलसियों का जीवन कट रहा है, जिसमें से चार आलसियों के बारे में बताया गया है। स्त्रियों के रक्षक उसके पति, बालकों के रक्षक उसकी माता, लेकिन आलसियों के रक्षक करुणावान के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इस तरह से अब इस पाठ से आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। इस पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति रहना है अभी उसको लाइक। इस पाठ के लेखक हैं विद्यापति, और फिर पूछेगा कि इस पाठ के जो ये हेडिंग है अलस कथा, यह किस ग्रंथ का अंश है, तो पुरुष परीक्षा नामक नीति कथा ग्रंथ का यह अंश है। किसमें है, संस्कृत में। विद्यापति कहाँ है, कवि है, मैथिली कवि, किस लैंग्वेज के, संस्कृत के। यह पाठ किस रूप में है, व्यंगात्मिका का ये पाठ है, व्यंग रूप में है लिखा गया है। इसमें टोटल श्लोक कितना है, 3। विद्वान अर्थात नीतिकार लोग आलस को क्या बोले हैं, सबसे बड़ा शत्रु। इसमें बताया गया है मानव गुण के बारे में बताया गया, इस पाठ में मानव गुण पूछेगा किस विशेषता के बारे में बताया गया है, तो मानव गुण विशेषता है जिस विशेषता के बारे में बताया गया है, विशेषता मानव गुण होना एक विशेषता है तो इसके बारे में बताया गया, और आलस होना एक दुर्गुण है तो आलस नाम के दुर्गुण के बारे में बताया गया, हम लोग को आलस त्याग देना चाहिए। फिर कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो अभी परिचय था पाठ का, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि मिथिला के एक मंत्री हैं वीरेश्वर, ये बहुत ही दानशील और करुणावान है, और इनके साथ एक नियोगी पुरुष है जो आगे इनको सलाह देते हैं, रियालसियों को भोजन देते हैं, खाना देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। इसको देख के बहुत से दूत लोग आ जाते हैं, इनके द्वारा टेस्ट लिया जाता है सलाह पे, और टेस्ट में बहुत से दूत लोग जो होते हैं भाग जाते हैं, चार पुरुष ही रहते हैं, पहला तीसरा दूसरा तीसरा चौथा बात करते हैं कैसा हल्ला हो रहा है, घर में आग लगा है, कोई भिगा हुआ कपड़ा डाल दे, चुपचाप सो जाओ, हल्ला मत करो। इस तरह से चारों को फिर से पकड़ के बाहर खींचा जाता है और चारों को दिया जाता है। 3 श्लोक है जिसमें बताया गया कि आलसी लोग भूखे रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। दूसरा में बताया गया कि एकता में बल होता है, अपनी जाति के सुख को देखकर सभी दौड़ पड़ते हैं सुख पाने के लिए। फिर इसके बाद है स्त्रियों के रक्षक पति, बालकों के रक्षक माता, और लेकिन करुणावान व्यक्ति के अलावा आलसियों के रक्षक दुनिया में कोई नहीं होता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसी पाठ को, फिर से दोबारा रिविजन करेंगे हम लोग। आप लोग लिखने के ऐसे ध्यान से कम और क्लास में ही ज्यादा आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, और बुक लेके पास में बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, कलम, और सब लिखने का प्रयास कीजिए, और वहाँ पे टिक लगाने का ऑब्जेक्टिव बुक में प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी से सब बन जाएगा। अभी आप लोग को मैथ पढ़ाया जाएगा, अभी 2 मिनट में सर आएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, आप लोग जाइएगा मत कहीं, आप लोग भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 2 मिनट के लिए, और इसको देख लीजिए 2 मिनट में, और फिर अभी मैथ चालू होगा। मैथ का बुक आप लोग सब लोग और कॉपी ले लीजिए, अभी आप लोग का मैथ का पढ़ाई होगा। धन्यवाद, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोग को भी बताइए, अपने साथ जोड़िए, और आप लोग का इस पे पूर्ण सिलेबस खत्म होगा। थैंक यू, देखिए दिखाई नहीं दे,
कनेक्ट है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, एक सौ चालीस इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से हम गुणनखंड करेंगे तो 140 का आधा हो जाएगा 70, 70 को काटेंगे 35 हो जाएगा, 35 5 से कटेगा, 35 7 बार में कट जाएगा, फिर 7 से करेंगे एक बार में, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7 यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, दूसरा है 156, 7 × 2 = 14, 1 बचेगा ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, फिर 3 से देंगे भाग कितना हो जाएगा 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 13 नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 2 × 3 × 13। उसके बाद 3825, ये 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 5 × 25 सही है, 5 × 7 = 35, 3 बचेगा यहाँ पे आएगा, 5 × 6 = 30, फिर 2 बचेगा 5 × 25, ठीक है, 5 से 5 = 5, 2 बचेगा 5 × 25, 1 बचेगा 5 × 3 = 15, ये 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 3, फिर 3 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 2 × 3 × 2 × 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये। इसके बाद है 5005, ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005, 5 से भाग देंगे, 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 1/1, अब ये नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 1001। इसके बाद है इसमें का 5 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन का दिया है 7429, इसको हम चेक करेंगे किस अंक से कटेगा, किस संख्या से कटेगा, 7 × 4 = 11, 11 × 2 = 13, 13 × 9 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 15 = 15, 5 × 20 = 22, ये नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटा के हम लोग देखेंगे, 7 × 7 = 42, ये नहीं कटेगा 7 से, 13 से कटाएंगे
17 से कटाएंगे तो 17 चौका 68, 68 तो 814, 6 बचेगा, 70 चौका 68 घटाएंगे यहाँ से तो 68 घटाने पर बचेगा कितना 6, ये दो लिखेंगे 57, 51 कितना बचेगा 11, फिर यहाँ पर नौ लिखेंगे 17 7 119, फिर 19 से भाग देंगे यहाँ पे उन्नीस से कम 38 5 57, ठीक है 23 को 23 से कटा देंगे 17 × 19 × 23 दोनों के आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है। इसमें दो संख्याओं को दिए रहने पर दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर LCM और HCF का गुणनफल सिद्ध करना है, चेक करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखेंगे हम लोग, दिया है 26 और 91। यहाँ पर 26 और 91 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 13 × 26, फिर 13 से करेंगे एक बार में 7 से 13 7 91, फिर 13 से करेंगे कितना हो जाएगा 1। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 13 और 91 का हो जाएगा 7 × 13 और इसका LCM वालों निकालेंगे, LCM हो जाएगा LCM बराबर 13, दोनों मिल रहा है 13 को हम लोग एक बार लिखेंगे, 2 एक बार है 7 एक बार है, तो लिखेंगे 2 × 13 × 7, 13 दोनों में कॉमन है इसीलिए 13 को एक बार लिखेंगे और 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 को लिख देंगे और 7 को भी लिखेंगे। इसको गुणा करने पर कितना हो जाएगा 13 7 91 91 2 182, ठीक है 91 2 182 हो जाएगा, ये हमारा LCM हो गया। और HCF निकालेंगे, HCF वही संख्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में जो मिल रहा है वही हमारा HCF हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, केवल 13, इसलिए HCF हमारा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा 13। अब हम लोग जांच कर लेंगे इसका LCM और HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या 91, इसको हम लोग चेक करेंगे। अब तो लिखेंगे जांच, पहली संख्या को हम लोग ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को बी मान लेंगे, बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या 91 बराबर, इसमें LCM है 182 और HCF है 13, दोनों साइड गुणा कर लेंगे, 26 में
91 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 कम 2, 9 6 54 का 4, 8 5, 9 2 18, 18 5 23, 6 6 3 2, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 6, यहाँ पे कितना होता है 26 6 8 2, 13 8 4, 5 6 6 8 10, 13 कम 13 10 23, दोनों साइड बराबर आ गया। ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये हमारा जांच पूरा हुआ। आप लिख देंगे हिंदी में लिख देंगे जांच हुआ। इस क्वेश्चन के लिए जब दो संख्याओं को दिया जाता हो और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ जांच करना हो, ये सूत्र है कि जब दो संख्याएं ए और बी हो तो ये सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। और पहली संख्या इसको हम लोग ए को मानते हैं, पहली संख्या ए बराबर पहली संख्या, ये आप लोग नोट कर लेंगे। जहां पर ए लिखा जाएगा उसका मतलब होगा पहली संख्या, जहां पर बी लिखा जाएगा उसका मतलब होगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए। तो ए बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा बी, ये सभी सूत्र है, इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा ए, नोट कर लेंगे आप लोग। इस सूत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बन जाएगा। ए बी निकल गया और एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर ए गुणे बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। और जब एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे बी यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। इसको हम लोग नोट कर लेंगे सब, और याद भी कर लेना है, एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एक नंबर का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का, मिटा दे रहा है इसको।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। 510 और 92, तो 510 का और 92 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, ये 5 से काट देंगे, 2 से भी कटा सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 दुना 50 और 5 दुना 10, फिर इसको 5 से काटेंगे 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से काटेंगे 17 51, फिर 17 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 46 बार में, 2 से काटेंगे 23 बार में, और 23 तो कट ही जाएगा 23 से। इन दोनों का गुणनखंड हो जाएगा, 510 का हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 17, और इसका हो जाएगा 92 का 2 × 5 × 3 = 17, ठीक है, 2 × 2 = 23। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग देखेंगे, एलसीएम कितना होगा, हम बोले थे जो संख्या दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको जितना बार होगा उसको उतना बार लिखना पड़ेगा, जैसे दो दोनों में है ये कॉमन है इसके लिए हम एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 एक बार है इसको एक बार लिख देंगे, 3 इसमें एक बार है इसमें नहीं है इसको लिख देंगे, 17 इसमें है इसमें नहीं है 17 को लिख देंगे, यहाँ पर देखेंगे दो दो बार है, इस इन दोनों के लिए एक लिखाएगा और इसके लिए भी एक लिख देंगे दो, यहाँ पर 23 भी लिखेंगे, तो हमको एलसीएम के लिए लेना पड़ेगा 2 × 2, दो मैक्सिमम कितना बार है 2 बार, तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 × 17 = 23, 5 × 17 = 23, 17 × 23, 2 2 बार है उसके बाद 5, अब 17 23, 3 नहीं लिखे 3 लिख दे रहा है, दो दो बार है 5 3 17 23, गुणा कर लेंगे इसको, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 3 = 510, 180 होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 17 × 6 = 102, 17 × 3 = 51, गलती हो रहा है इसको मिटा रहा है। दो दो नी चार, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, फिर 60 में 17 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 × 6 = 102, 1020 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 23 से, जीरो 3 × 6, 3 × 0 = 0, 3 × 1 = 3, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 2, हमारा कितना हो जाएगा ये एलसीएम 23460, 23460। उसके बाद से HCF निकालेंगे, HCF में वही संख्या हम लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 ही कॉमन है, इसके अलावा और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है,
दो कॉमन है तो दो को हम दोनों में से ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। दो के अलावा देख लीजिए कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में नहीं है तो केवल दो ले लेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे इसको। गुणा आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, क्या लिखे थे हम यहाँ पे, दो 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 दो, दो पांच गुणे तीन गुणे सत्रह गुणे तेईस, ठीक है गुणा सही है। दो दो चार, चार पच्चे बीस, तीन साठ, सत्रह छके एक सौ दो, तेईस से करेंगे जीरो छ जीरो तीन जीरो चार जीरो दो जीरो छ चार तीन दो, 23,460 सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, जांच करके हम लोग देखेंगे। सूत्र क्या होता है, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। पहली संख्या कितना था हम लोग का, पहली संख्या था 510 गुणे 92, दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम कितना है, 23,460 गुणे 2, दोनों साइड गुणा करके हम देख लेंगे। 510 गुणे 92 जीरो, दो नौना 10, 9 से 0 जीरो, 9 कम 9, 9 पच्चे 45, जीरो दो 9 छ चार, इस साइड हमारा आ रहा है 46,920, 46,920 इधर आ जाएगा, जीरो 14×12, हर सिले 4×8=9, 3×6=4, दोनों साइड हमारा बराबर आ गया, देख लीजिए 46,920, 46,920, ये हमारा आंसर हो गया। सही आप लोग आंसर मिला के देख लीजिए, और एक और इसी पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाइए आप लोग, प्रैक्टिस कीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन है 336 और 54, ऐसे ही बनेगा 336 और 54, इसको हम लोग बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको फटाक से बना के चेक कीजिए कि इसका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बना के चेक करिए। दोनों का सबसे पहले आप लोग गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद से दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाद जांच करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, आप लोग चेक कीजिए इसको बना के।
मिला था ना। लास्ट एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से आप लोग जो क्वेश्चन बचेगा उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन बचेगा उसको। 3 नंबर क्वेश्चन का एक ही समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद से बाकी बना के आप लोग अगले दिन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करके इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करेंगे इसका, बारह का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 × 2 × 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 5 × 3, 21 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 3 × 7, इनका HCF होगा, तीनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लोग HCF लेंगे। तीनों में है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM LCM हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इन सबको गुणा कर देंगे, LCM निकल जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 420 हो जाएगा। आप लोग आंसर मिला लीजिए, LCM इसका हो जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 कितना बार है, 2 बार, मैक्सिमम 2 कितना बार है, 2 बार 2 लिखे हैं, फिर 3 कितना बार है, तीनों में एक ही बार है तो एक ही बार लेंगे, 5 एक बार है एक बार लेंगे, 7 एक बार है एक बार लेंगे, गुणा कर देंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 और 6 × 7 = 42, यानी कि 420 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग बनाइए। गुड नाइट, गुड बाय, अगले दिन फिर हम लोग मैथ पढ़ेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे। भाई क्या है, बिल बिल करेंगे।